वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। इस लेक्चर में आपको क्या बताया जाएंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताया जाएगा, मैं आपको बताया जाएगा फैराडे लॉज के बारे में। तो फैराडे के दो लॉ थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, एक बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरे को बोलते हैं फैराडे सेकेंड लॉ, तो दोनों के बारे में बताया जाएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको चेंज करेगा इस किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हो ही चुका था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे कन्वर्ट करता है, साथ में इसका फिगर वगैरह सारी चीज़ें बता दी गई थी। और कहाँ बताया गया था, जहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस बताया गया था वहाँ पर इसका फिगर के साथ बताया गया था। फिर भी एक बार हल्का सा फिर से बताते हैं। यहाँ पर एक लेते हैं पॉट और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड भरे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर होंगे और साथ में यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलाइट, यह है इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे ये दोनों है इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो फार्मूला यूज करते थे, यहाँ पे फार्मूला बताए थे LOAP लोप। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड है यही लेफ्ट साइड है, इसे लिखते हैं। तो ये लेफ्ट साइड जो होगा इसी पर ऑक्सीडेशन होगा, ये हो जाएगा एनोड और साथ में P मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट होता है। ये वाला होगा कैथोड और ये होगा निगेटिव प्लेट हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ से बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। टोटल यही स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, ठीक है। डिटेल पूरा पिछला हो चुका है तो इसे डिटेल यहाँ नहीं बताने जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें क्या पढ़ना है कि सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर एनोड है, यहाँ पे होता ऑक्सीडेशन। तो इसका जो भी यहाँ मेटल है वो क्या होगा, मेटल जो होगा डिपोज मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, तो एम प्लस प्लस बना लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, यही एम प्लस प्लस यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएगा। चार्ज इस पर प्लस टू हो सकता है, एन लिख देते हैं, प्लस वन भी हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, प्लस थ्री कुछ भी हो सकता है, वो तो चार्ज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है एम प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इस पर करंट दिया जा रहा है, तो क्योंकि करंट दिया गया तब जाके ये प्रोसेस हुआ, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसी पे फैराडे ने अपने दो ला दिए थे, तो इसमें सबसे पहला जो ला था उसको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था, फैराडे ने प्रथम नियम में क्या बताया था कि यहाँ से जो करंट दिया जा रहा है, तो करंट किस फॉर्म में दिया, चार्ज के फॉर्म में, यहाँ चार्ज मान लेते हैं चार्ज या आवेश और इसको मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ पे जो चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन और इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ये जाके यहाँ जम रहा है तो डिपॉजिट हो गया या डिसोसिएट हुआ। तो जितना ये अमाउंट इसका होगा या डिसोसिएशन का या डिपोजिशन का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज पे, और दोनों होता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक तो ये चार्ज हो गया और दूसरा जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है या फिर डिसोसिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं डब्लू। तो डब्लू का मतलब हो गया कि मास ऑफ डिपोजिशन आर मास ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये वाला डिसोसिएशन है और ये वाला डिपोजिशन है, ठीक है। तो अब जो फैराडेज का फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ से ये कहा था कि मास ऑफ डिपोजिशन आर डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अप्लाई ऑन इट, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लॉ होगा डब्ल्यू इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, यही फर्स्ट लॉ है कि जो है जो मास जो डिपॉजिट हो रहा है या फिर जो डिसोसिएट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो यहाँ पर चार्ज दिया जा रहा है, जो यहाँ पे बैटरी लगाई गई उसका चार्ज दिया गया। तो जो इसका चार्ज दिया गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका मास या डिपोजिशन, यही आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये W इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाए तो कांस्टेंट हो जाता है जेड क्यू। जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे वैद्युत रसायन तुल्यांक। तो ये एक क्या था, कांस्टेंट था जिसका नाम था वैद्युत रसायन तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और W
पता ही चल गया W क्या था, ये था W इक्वल टू कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या कितना मास डिसोसिएट हो रहा है, और ये था Q, Q था चार्ज कि ये यहाँ से बैटरी से कितना चार्ज इसको दिया जा रहा है। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब Q जो है, Q की जो वैल्यू है, Q इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू T, ये पढ़ाया जा चुका पहले भी, या फिर और भी लिख सकते हैं N इंटू E, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर Q की वैल्यू ये रख सकते हैं, यहाँ पर Q की जगह हम आई टी रख सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला फिर क्या हो जाए, W इक्वल टू जेड आई इंटू टी, एक फार्मूला ये हो गया। अब साथ में एक फार्मूला इसका और आएगा, और वो फार्मूला क्या है कि जेड की वैल्यू जो है वो हो जाएगा इक्वलेंट में इक्वलेंट मास और डिवाइड बाय फैराडे। जेड का ये भी वैल्यू आता है, जेड होता है इक्वलेंट मास डिवाइड बाय फैराडे। तो इक्वलेंट मास को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय फैराडे। अब इक्विवेलेंट मास को क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार, हिंदी में बोलेंगे इसको तुल्यांकी भार, और बटा बोल देते हैं, ये होता है फैराडे। डिनोट करते हैं ई से, और फैराडे की जो वैल्यू होती है 96500, इतनी वैल्यू मान के चलते हैं। एक्चुअल में फैराडे की, वन फैराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96487, इतने कूलम्स होता है, लेकिन राउंड फिगर में 96500 से इसको लिखते हैं। ये हो गया, और ऊपर तुल्यांकी भार को लिख देते हैं ई से। अब जेड की वैल्यू हम ये रख देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा W इक्वल टू, अब जेड की वैल्यू रख देंगे E बाई ई डिवाइड बाई 96500, और आई टी दिया हुआ है आई इंटू टी। अब ये जो फार्मूला बनाया गया है, ठीक है, फैराडे लॉ में तो डायरेक्ट इसी पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको ये फार्मूला बताया। अब ये फार्मूला जो है कहाँ काम आएगा आपको, फैराडे लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, जो इक्विवेलेंट मास है वो कैसे निकलता है वो भी बता देते हैं एक बार और। लास्ट टाइम ही बताया था कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास डिवाइड बाई होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू भी यहाँ रख के ये वैल्यू भी निकाली जा सकती है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, इसको डिनोट कर देंगे अगर m से। तो इसी फार्मूले में यहाँ लिखा जा सकता है कि एम आई टी डिवाइड बाई 96500 n, ये फार्मूला हो गया। तो इतना फार्मूला नहीं याद करना है आपको, ये फार्मूला बस याद करना है, ई की वैल्यू कैसे निकलती है आपको पता ही है, आई और टी की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो ये था फैराडे फर्स्ट लॉ, और इस पर आपको एक न्यूमेरिकल भी कराते हैं एनसीईआरटी का। अब आपको फैराडेज के फर्स्ट लॉ पे आपको दो क्वेश्चन कराएंगे, एक इंटेक्स का है और दूसरा एनसीईआरटी किताब में ही एक्सरसाइज का है। तो सबसे पहले इंटेक्स का जो एक क्वेश्चन है वो है 3.10, तो क्वेश्चन है इंटेक्स का 3.10। अब जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है एम्पियर, आई की वैल्यू दी गई 0.5 एम्पियर, पहला एक डेटा ये दिया गया है। टाइम की वैल्यू दी गई है 2 आवर्स। पूछा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इस फार्मूले को लगाएंगे, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे, इसीलिए देखिए फार्मूला पहले लिखा दिया गया है फर्स्ट लॉ में क्या क्या फार्मूला यूज हुआ था। तो क्यू इक्वल टू आई टी इक्वल टू एन ई, हमें एन की वैल्यू निकालना है, हमको आई की वैल्यू दी गई, टी की वैल्यू दी गई है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वो वैल्यू भी हमें पता ही होता है, ठीक है। तो ले लेते हैं इसी को, आई टी इक्वल टू एन ई। अब यहाँ पे n निकालना है तो e नीचे चला जाएगा, तो n इक्वल टू आई टी डिवाइड बाई ई, आई की वैल्यू दी गई है 0.5, और टी दिया है आवर्स में, और इसको क्या करना होता है हमको, सेकंड में चेंज करना होता है। तो इसको सबसे पहले तो मिनट में करने के लिए 60, और फिर सेकंड में करने के लिए वापस 60, सेकंड 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 60 × 60, और डिवाइड बाई कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। अब 0.5 है और 2 है, ये दोनों कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा, और ये हो जाए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3600 और डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.24 × 10⁻¹⁹
19, 20, 21, 22, 10^22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3.10 हो गया इंटेक्स का। अब आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कराते हैं 3.15। तो जैसा कि आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 3.15 में, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि NiNO3² ये हो गया। अब इसको जो है इस साथ में दिया हुआ एम्पियर, आई की वैल्यू दे दी गई है कितना है, 5 एम्पियर है, और साथ में टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, और 20 मिनट था, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 20 × 60 ये हो जाएगा सेकंड में, ये वैल्यू दी गई है। अब पूछा क्या है कि निकल कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ठीक है, तो ये वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू पूछा गया, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पूछी गई है, साथ में क्या दिया गया है आई और टी, यहाँ पे आई और टी की वैल्यू दी गई है। जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, जेड के लिए सकते हैं ई डिवाइड बाई 96500। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसी फार्मूले को यूज करेंगे, तो लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू ई आई टी डिवाइड बाई 96500। अब हमें ई की वैल्यू निकालना है, तो ई का वैल्यू कैसे निकलेगा, ई का वैल्यू निकालने के लिए बताए थे कि मोलर मास और डिवाइड बाय एन लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसको देखने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आ जाएगा प्लस टू, अब प्लस टू है तो प्लस टू से क्या बन जाएगा, निकिल बनेगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो प्लस टू से जीरो हो रहा है तो इसलिए एन की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हमको यहाँ पे एन का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ लिख देंगे 2। और जो निकिल का मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 58.7, तो हमको E की वैल्यू पता चल गई। अब ये सारा वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो W इक्वल टू हो जाएगा E की वैल्यू ये है 58.7 डिवाइड बाई 2, I की वैल्यू यहाँ दी गई है 5 एम्पियर, यहाँ लिख देंगे 5 × T का वैल्यू दिए दिया गया 20 × 60, ये हो गया 20 × 60, और डिवाइड बाई ये लिख देंगे 96500। अब इसे सॉल्व करना है, दो जीरो से दो जीरो कट गया, टू से टू कट गया, तो ये बच क्या गया, ये बच गया 58.7 × 5 × यहाँ हो गया 6, और डिवाइड बाई 965। अब इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.825, और ये हो जाएगा किसमें, ग्राम में। तो यहाँ पे इतना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा निकिल, और कहाँ पर होगा, कैथोड पर होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये था फर्स्ट लॉ, और उसमें फर्स्ट लॉ में क्या था, आपको दो क्वेश्चंस करा दिए, एक इंटेक्स का और दूसरा एक्सरसाइज का। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ाया जाएगा, जो फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है, बहुत आसान है वो भी, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, और उस पर भी एक दो क्वेश्चन आपको कराएंगे।